चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और इसी के चलते आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में आचार संहिता क्या है और इसके क्या महत्व हैं, ये जानना भी जरूरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों और सभी प्रत्याशियों को इसकी पालना करनी होगी। आचार संहिता के नियम किसी कानून के तहत नहीं बल्कि सभी पार्टियों की आपसी सहमति से बनाए जाते हैं। आचार संहिता के दौरान कौन से काम रुक जाएंगे? चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारी या नेता मंत्री के निजी आवास पर नहीं मिल सकते। सरकारी खर्चे पर किसी तरह की पार्टी का आयोजन नहीं कराया जा सकता। सरकारी पैसे से सरकार का प्रचार प्रसार करने के लिए विज्ञापन पर रोक। आचार संहिता लागू होने के बाद योजनाओं पर काम शुरू नहीं किया जा सकता। विधायक, सांसद या विधान परिषद लोकल एरिया डेवलपमेंटल फंड से राशि जारी नहीं कर सकते। पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते। नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा सकते। हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनेंगे। कोई नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। नए काम के लिए टेंडर जारी नहीं होगा। नए काम की घोषणा नहीं होगी। बड़ी बिल्डिंग को क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। नए जिलों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अब नई सरकार ही फैसला करेगी। नई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं हो सकेगी। मंत्री, विधायक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर्स, सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य राजनेताओं के पोस्टर हटाए जाएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हो सकेगा। आचार संहिता का इन कामों पर नहीं पड़ेगा असर। जो सरकारी योजना शुरू हो चुकी है उनका लाभ मिलता रहेगा। सरकार कोई तबादला नहीं कर पाएगी लेकिन चुनाव आयोग अफसरों के ट्रांसफर कर सकेगा। सीएम मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे। सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे। इमरजेंसी हालात में चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले हो सकेंगे। मानचित्र की पत्रावलियों का निस्तारण, चाहे वे आचार संहिता से पहले पेश हुई या बाद में, जहां जरूरत है वहां मरम्मत कार्य। पट्टों की जिन फाइल का निस्तारण हो गया उन्हें ही पट्टे जारी किए गए। आगामी कार्यवाही के लिए डीएलबी से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। आचार संहिता से पहले नए रूटों पर यदि बस का संचालन तय कर दिया है तो वह चालू रहेगा। वह योजनाएं जिनके लिए पूर्व में ही संबंधित स्वीकृति चालू हो चुकी है।